からタミスコどうもあれ दीवाने あれ दीवाने मुझे पहचाने ओ हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज मैं आप सभी को एक चीज बताने वाला हूँ, एक न्यूज है वो बताने वाला हूँ और फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूंगा आज का जो व्लॉग है वो आप सभी को पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक चीज बता देना चाहता हूँ, मैं कावासाकी की Z900 जो है 9 लाख रुपए की इंडिया में उसका ऑन रोड प्राइस है 9 लाख और मुंबई में और दिल्ली में वो मैं एक्चुअली लेने वाला था बट कावासाकी का शोरूम नहीं है MP में तो उसके कारण वो मैं छोड़ रहा हूँ Z900। और अब देख रहा हूँ कि कावासाकी का भी शोरूम नहीं है और दो तीन है Hyosung GT का भी शोरूम नहीं है और मतलब जितने भी अच्छे अच्छे जो ब्रांड थी उनका शोरूम है नहीं, तो उसके कारण अब शायद मैं RC390 ले लूँ, मे बी RC390 लेना है या Duke 390 लेना है, वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि लॉन्ग टूरिंग के लिए कौन सी सही बाइक रहेगी और कौन सी अच्छी बाइक रहेगी। और फ्रेंड्स आप जैसा देख सकते हैं अभी मैं सोके उठा हूँ, ऑलमोस्ट काफ़ी बाल भी ऐसे हो रखे हैं और अभी मैं जाऊँगा KTM के शोरूम, बाइक को देख के आऊँगा कैसी है कैसी नहीं है और देख के आने के बाद मे बी टेस्ट ड्राइव लूँ उसकी और वो सब लेने के बाद और उसको जो फाइनल है वो करना है मेरे को कि लेनी है नहीं लेनी है या क्या बोलते हैं R3 लेनी है यामाहा की R3, क्योंकि मैं किसी से भी पुट डाउन नहीं होना चाहता, मतलब जो मेरे से कोई ऊपर की बाइक ले ले ऐसा हो नहीं सकता, ये मैं सब मेरे अंदर की गट्स वाली फीलिंग रहती है, तो उसी के लिए मैं अब दूसरी बाइक ले रहा हूँ। लोग कपड़े बदलते हैं मैं बाइक बदलता हूँ, पता नहीं क्या चल रहा है ये तो आप सभी को ये मतलब आप सभी के लिए तो अच्छी न्यूज़ होगी ना, क्योंकि आप सभी अच्छी बाइक देख पाओगे और बेहतर बाइक रिफाइंड बाइक देख पाओगे। तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं तैयार होते हैं और फिर चलते हैं वहाँ पे KTM के शोरूम। सो गाइज अभी मैं होशंगाबाद रोड पे हूँ और यहाँ से जो KTM का शोरूम है वो अराउंड होगा 6 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है KTM का शोरूम और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त को पिकअप करने और वहाँ से वो मेरे साथ चलेगा क्योंकि उसको भी RS 200 लेनी है और वो कह रहा था कि भाई एक काम करते हैं दोनों एक साथ चलते हैं, बगल में बजाज का शोरूम है और उस तरफ KTM का शोरूम है, तो तू भी अपनी कोटेशन बनवा लेना बाइक की, मैं भी अपनी बनवा लूँगा। मैंने बोला ठीक है भाई ऐसा कर लेते हैं और क्या, कि मैं भी तेरे को और अच्छे से बता दूंगा RS 200 कैसी है कैसी नहीं है। और फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि RC390 लूँ या Duke 390, क्योंकि मेरे को पता है कि लॉन्ग टूरिंग के लिए तो Duke 390 से बढ़िया बाइक कोई है नहीं, लेकिन RC390 पे भी दिल जा रहा है, दिल इसलिए जा रहा है RC390 पे क्योंकि जो फ्रेंड्स RC390 उसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है इससे Duke 390 से 10 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड ज़्यादा है। अब फ्रेंड्स इतना ज़्यादा लंबा मार्जिन है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और इसी के कारण थोड़ा बहुत डाइवर्ट टाइप का हो जा रहा है माइंड, बट देखते हैं अब तो शोरूम जाके ही पता चल पाएगा कौन सी सही है। अभी रुका हूँ, देखना है कि उसने कहाँ बुलाया है, सेंट जेवियर स्कूल कहाँ है, गूगल माता की मदद लेते हैं, सेंट जेवियर स्कूल डालते हैं यार, सेंट डायरेक्शन लेते हैं अवधपुरी रोड और यहाँ से बोल रहा है एकदम सीधे, यहाँ से सीधे जाके अन्ना नगर से आई थिंक टर्न लेना है मेरे को, हाँ और एकदम सीधे रोड है और सेंट जेवियर स्कूल यहाँ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। भाइयों के लिए तो कहीं भी जाने को तैयार है यार हम। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web I
my mind is breathing in. Freak out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. सो फ्रेंड्स अभी मैं अपने दोस्त के घर पहुंच चुका हूं और अभी जाएंगे हम लोग KTM के शोरूम और भाई को भी RS 200 लेनी है, मेरे को देखना है उसका ड्यूक 390 लेनी है कि RC390। अब दुकान पे जाके पता चलेगा और अब भाई चलाएगा बाइक और यहाँ पे देख लो आप कितनी सारी भाई ने कलेक्शन करके रखा हुआ है गाड़ियों का, जो चलानी हो वो चला लो उस टाइप से। तो फ्रेंड्स चलते हैं KTM के शोरूम पे, मिलते हैं। क्या गाड़ियों में बदर नहीं आते ना? नहीं नहीं नहीं, ये देखो भाई चला रहा है बाइक भाई चला रहा है बाइक। सो गाइस फाइनली आई एम हियर एट KTM, सुरजीत KTM, और बगल में है जहाँ से मैंने अपनी बाइक परचेज की थी, एक्चुअली बजाज का शोरूम है और यहाँ पे है KTM का, और देखते हैं। और हाँ, सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ पे मेरे को Hyosung 650R दिख गई, ये देखो आप, बहुत सही गाड़ी है, बहुत सही। बट हमें तो लेनी है RC390 या Duke 390 में से कोई सी एक, तो वही देखते हैं अंदर चल के कि कौन सी में क्या फीचर है, क्या जो भी होगा पूरी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ से मैंने अराउंड 9 महीने पहले उठाई थी अपनी बाइक और यहीं से बगल में KTM का, बहुत सही है। यहाँ पे भाई देख लेगा अपनी RS 200, यहाँ से मैं देख लूँगा अपनी RC390, जो भी मेरे को लेनी है वो देख लूँगा। और यहाँ से तो फ्रेंड्स चलते हैं अंदर, क्या है मामला वो सब मैं आपको बता दूँगा। सो फ्रेंड्स फाइनल डिसीजन जो था वो गया KTM Duke 390 पे, और इसको मैं ऑलमोस्ट आप समझ जाइए 2-1 महीने में उठा लूँगा, 1.5-1 महीने में। Duke 390 RC 390 से 5-10 हज़ार की गैपिंग है दोनों के प्राइसिंग में, और Duke 390 का जैसे इन्होंने बताया कि वेट हल्के होने के कारण जो टॉप स्पीड है वो भी Duke 390 की ज़्यादा आ रही है, तो उसी के कारण Duke 390 को फाइनल कर लिया। और बस 1.5-1 महीने में, हाँ अभी टेस्ट ड्राइव लूँगा, उसके बाद 1.5-1 महीने बाद इसका उठाने का है प्लान। और काफ़ी अच्छी लग रही है लुक के हिसाब से भी, और RC 390 जो थी वो चलाने के जब मैं मतलब बैठा उसके ऊपर तो वो थोड़ी झुका, मतलब आप समझ जाइए बेंट टाइप का होना पड़ रहा था पीछे के हिसाब से, और वो लेह लद्दाख की जो ट्रिप वगैरह रहती है जहाँ जाएंगे हम लोग उस हिसाब से भी वो उसके लिए बनी नहीं है, मतलब वो टूरिंग बाइक नहीं है कुल मिला के देखा जाए। और जैसा आप देख सकते हैं वहाँ NS 200 खड़ी है, क्योंकि वो चलाता था तो थोड़ी एक आइडिया मिल गया था कि हाँ ऐसी रहती है ऐसी नहीं रहती है, और कोटेशन वगैरह जो था वो भी फाइनल करवा लिया इन लोगों से। ये है KTM के जो जिन्होंने मेरा कोटेशन बनाया और वो सब दिया, तो इन्होंने फाइनल कर लिया। और ये है क्या है KTM, सुरजीत KTM पे हूँ, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट ड्राइव लेते हैं फिर देखते हैं कैसी है, करता हूँ इसको तो अरे दीवाने मुझे पहचाने। सो गाइज अभी मैं घर पहुंच चुका हूं अपने, और KTM का जो शोरूम था वहां पे जो मेरे को हॉस्पिटैलिटी मिली उनके तरफ से वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सपोर्टिव लोग थे, और उन्होंने क्लियरली सही सही बताया गाड़ी के बारे में कि कौन सी सही रहेगी। उन्होंने मतलब ये नहीं किया कि मतलब यार ये ले लो वो ले लो, जो मतलब ट्रूथ था वो बताया, और क्योंकि मैं रिव्यू करता हूँ बाइक्स का तो मेरे को भी नॉलेज थी कि कौन सी सही रहेगी। तो फ्रेंड्स Duke 390
जैसा मैंने आपने पहले देखा होगा व्लॉग में, मैंने ले वहाँ पे शोरूम पहुँच के मैंने व्लॉग में बताया आप सभी को कि जो फैसला था वो ड्यूक 390 के ऊपर गया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं फ्रेंड्स ड्यूक 390 फिर मैंने कैंसिल कर दी। कैंसिल वो मैंने इसलिए करी क्योंकि मेरे पास एक और नेक्ड बाइक है जो है NF200। तो मतलब अब आप सोचो कि दो दो नेक्ड बाइक हो जाएंगी तो कोई मतलब नहीं रहेगा, एक चलो एक फेयरिंग वाली लेके देखते हैं कैसी रहती हैं। तो वो मैंने फिर उसकी RC390 फाइनल कर ली। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि एक दो महीने का क्या वेट करना, चलो पैसे तो है ही, बुकिंग अमाउंट अपने पास है ही 500,000 रुपये, तो आजकल मामूली से बात है सबके पास रहते हैं। तो वो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी बुक करा दो गाड़ी। तो फिर मैंने KTM RC390 बुक करा दी ड्यूक 390 को चेंज करके। तो फ्रेंड्स RC390 मेरे को कैश पे पड़ रही है 2,60,000 की, और अगर मैं उसको फाइनेंस कराता हूँ तो वो मेरे को पड़ेगी 2,75-2,80 के समथिंग की। तो अब वो देखते हैं कि फाइनेंस पे लेनी है कि कैश पे लेनी है, अब वो तो आप पता चल पाएगा आगे ही। तो वो फिर मैंने RC390 बुक करा ली और काफ़ी अच्छी है। एक बार आपको जो है रसीद वगैरह वो एक बार दिखा देता हूँ, ये तो उन वो लोग देते ही हैं क्या बोलते हैं कैटलॉग टाइप का। और फ्रेंड्स हाँ ये रहा KTM वालों का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है अभिषेक सिंह। और फ्रेंड्स यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे जो डिटेल वगैरह है वो लिख के दी, तो काफ़ी अच्छा है। तो अब फाइनल है कि KTM RC390। और आप क्या समझते हैं, आप क्या मतलब सोचते हैं गाड़ी के बारे में, KTM RC390 के बारे में, कि मेरा डिसीजन सही है नहीं है, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तो बुक हुई है गाड़ी, अभी तो कुछ भी हो सकता है। और फ्रेंड्स लेकिन मेरा जो दिल है वो इस बार RC390 के ऊपर जा रहा है, मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है। चलो फ्रेंड्स ले लेते हैं, कुछ नहीं है, अब ये आखिरी गाड़ी तो ही ना होगी, फिर चेंज कर लेंगे थोड़े बहुत सालों में। तो देखते हैं फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी होगी। और फ्रेंड्स अगर पसंद आई है तो एक लाइक देके मेरा जो चैनल है टेक वाइज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।